हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज है 21 जून और इस समय रात के करीब बज रहे हैं 8। तो आप देख रहे होंगे 8 बज चुके हैं और मैं बिल्कुल आराम से बैठी हुई लेटी हुई हूँ। तो आज मैं मायके आ चुकी हूँ और मैंने इससे पहले कि आप वीडियो जो यहाँ आते समय का वीडियो आप लोग के साथ आपको दिखा नहीं पाई हूँ, नहीं बना पाई हूँ वीडियो, तो आज मैं यहाँ आ गई हूँ अपने मायके में। और मैं भी आ रखी हूँ, बच्चे आ रखे हैं, बच्चे तो पहले से यहीं थे, और मेरी बहन आ रखी है, बहन के बच्चे आ रखे हैं, और भाभी भतीजी सब यहीं हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज 21 जून हो गए हैं और हम 30 मई को गांव आ गए थे, तो 30 मई से लेकर आज 21 जून हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ आए हैं। बीच में मैं मतलब इतने दिन नहीं आ पाई और आज आए हम लोग यहाँ। तो अभी रात के 8:15 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पे ये देखिए मंदिर है हमारा, तो दिया जल चुका है, पूजा हो चुकी है। और मैं 30 मई को आ गए थे हम लोग और 30 मई के बाद आज 21 जून हो गया है, तो आज आए हम यहाँ। और इनको तो आप जानते होंगे ये कौन है। तो ये है मेरी भतीजी लव्या छिमवाल, बहुत वीडियो में देखी होगी आपने मेरे साथ। तो मैं भी आ रखी हूँ, मेरी बहन भी आ रखी है, और इससे आगे की वीडियो में आप लोग के साथ यहीं की शेयर करूँगी। तो आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है मेरे मायके में। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आप लोग को आगे का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारी भाभी, ये बना रही है यहाँ पे रोटी, देख रहे हैं आप। तो बाहर चूल्हा जल रहा है यहाँ पे, ये आटा गूंदा हुआ है, ये यहाँ पे सब्जी बन रखी है और बाहर चूल्हा जला रखा है आंगन में, और यहाँ पे बन रही है रोटियाँ। ये देखिए आराम से, बिल्कुल आराम से है ना लब्बू, यहाँ पे रोटी बन रही है। तो ये भैया है, भैया को हाय करो, भैया हाय हाय, भैया भैया को ऐसे भी करो, काम काम भी करो भैया, वो भैया हाय कर रहे, हाय कर रहा भैया, हाय कर रहा, हाय नहीं देगी, हाय नहीं देगी। तो ये देखो लव्या को ये मैंने पहनाई अभी, जय माता दी लव्या, वाह कहाँ है वाह, ये वाह है कहाँ है वाह, रोटी रोटी इस 6 मास 7 से देखिए मायके में एक दिन भी चैन नहीं है, रोटी बना रही हूँ, फ्री में कोई नहीं खिलाता है, फ्री में कोई खाने को नहीं देता है। आई हूँ और यहाँ भी रोटी बना रही हूँ, देख लीजिए आप भाभी के लक्षण, भाभी के लक्षण देख लीजिए आप। हाँ तो वो चाहिए।